हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग सही तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, अपडेट बहुत बड़ी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, जो आज की अपडेट है वो अपडेट है टर्म वन के रिगार्डिंग, कि जो है रिजल्ट कब आएगा। तो हजारों तरह की वीडियो लगातार यूट्यूब पर दोस्तों मिल रही है कि रिजल्ट आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, बट वास्तव में अगर ऑफिशियल अपडेट देखें तो वो दोस्तों कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक जी न्यूज का जो है न्यूज पोर्टल से मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, जो है मेरे पास जो मैंने जी न्यूज की जो है एप्लीकेशन यहाँ पर खोली हुई है, और इस एप्लीकेशन में डॉक्टर सैम भारद्वाज जी का एक नोट छपा हुआ है। आप कह सकते हैं कि इसमें उन्होंने दो अपडेट दिए, एक अपडेट है टर्म वन के रिजल्ट को लेकर और दूसरी अपडेट है टर्म टू एग्जाम को लेकर। तो सबसे पहले जो अगर हम जो सबसे बड़ी अपडेट मैं आप सभी को बताऊं, तो एक अपडेट दी है इन्होंने टर्म टू एग्जाम को लेकर। तो यहाँ पर डॉक्टर सैम भारद्वाज जी से पूछा गया है कि भाई यहाँ पर उन्होंने INA को जवाब दिया कि उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि टर्म टू का एग्जाम कब होगा या एग्जाम कैंसिल होगा, क्योंकि बहुत जगह पर जो है टर्म टू एग्जाम को कैंसिलेशन कैंसिल करने का उसको लगातार मुहिम चलाई जा रही है, ट्विटर पर ट्रेंड करवाया जा रहा है। तो उनका जवाब दोस्तों, उनका ये कहना है कि जो टर्म टू का एग्जाम है वो डिपेंड करता है कोरोना की स्थिति पर, कोरोना की सिचुएशन पर। अगर इस सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है या हालत बहुत गंभीर रहती है देश की, तो ऐसे में हम जो है टर्म टू एग्जाम को कैंसिल कर सकते हैं और टर्म वन एग्जाम के आधार पर आप सभी का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। बट परिस्थितियां नॉर्मल रही और स्थिति समान रही, और अगर हम एग्जाम लेने की हालत में रहें, बच्चों की सेफ्टी के आधार पर अगर देखें, तो हम एग्जाम लेंगे और फिर दोनों टर्म के आधार पर आप सभी का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये है डॉक्टर सैम भारद्वाज जी का जो चांस वो जो परीक्षा नियंत्रक हैं, और उन्होंने INA को जो तो जो न्यूज है चैनल उसको अपने साक्षात्कार में उन्होंने ये बात बताई है कि एग्जाम होगा और एग्जाम नहीं होगा, दोनों बता दिए उन्होंने कि किस सिचुएशन पर एग्जाम होगा और किस सिचुएशन पर एग्जाम को कैंसिल किया जाएगा। तो अभी जो ज्यादा चांसेस हैं दोस्तों एग्जाम होने के हैं, तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, जो सैंपल पेपर आए उसको आधार मानकर तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके पास पहले से ही दोस्तों सिलेबस मौजूद है। तो जब एग्जाम होगा तो ऐसे में दोस्तों आप प्रिपेयर रहेंगे और इसे आप 100% अपने जो दे सकते हैं, तो ऐसे में एग्जाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि परिस्थितियां नॉर्मल हो रही हैं और बहुत से राज्यों में तो आप सभी को पता है एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे फरवरी में। अगर हम बात करें बिहार, मध्य प्रदेश, असम में 15 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बिहार में भी एग्जाम फरवरी में हो रहे हैं, तो बहुत से राज्यों में एग्जाम, राजस्थान में एग्जाम होने वाले हैं, तो बहुत से राज्यों में एग्जाम तो हो रहे हैं। और आप सभी के जो डेट शीट सेकेंड टर्म की CBSE क्लास 10 क्लास 12th की, वो मोस्ट प्रोबेबली है कि 24-25 जनवरी को जारी कर दिया जाए। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि 24 जनवरी, हालांकि ये मैं आप सभी को ऑफिशियल स्क्रीन में अगर दिख रहा तो देख सकते हैं, हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, इन्होंने एक अनुमान के आधार पर बताया है कि जो आपका रिजल्ट 24 जनवरी तक जारी किया जा सकता है, या और दोनों कक्षाओं के एक साथ, क्लास 10 और क्लास 12 दोनों कक्षाओं को एक साथ जारी किया जा सकता है। तो आपसे विनर में निवेदन है कि ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप रिजल्ट आए या ना आए, बट अभी आपको सेकेंड टर्म की तैयारी करनी है। और यहाँ पर रिजल्ट जो आने की संभावना जो दर्ज की गई, बट मैं आपको बता दूं कि यह कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, यहाँ पर CBSE ने एक अनुमान लगाया गया कि 24 जनवरी को एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जा सकता है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म का क्लास 10 और क्लास 12 का। तो ये दोस्तों दो बहुत बड़ी अपडेट थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।